आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का ये वन डे का कैंडल चार्ट है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में प्रीवियस टाइम हमारा जो टारगेट था दोस्तों, वो टारगेट 42 रुपीस का था। हमारी एंट्री जो हुई थी वो हुई थी 38 रुपीस पे। 38 रुपीस के हिसाब से 42 रुपीस, 4 रुपए का ट्रेंड है। मैं हर वक्त अपने वीडियो में 10% का रिटर्न देता हूँ, चाहे वो मंथली रहो, चाहे वो शॉर्ट टर्म रहो, चाहे वो प्रोफेशनल हो। प्रोफेशनल है तो 18% का रिटर्न देता हूँ, फाइनल टारगेट 25% का रिटर्न देता हूँ, प्रॉफिट देता हूँ। अगर कोई स्टॉक में कैपिटल अटक भी गया, उसमें एवरेज करके डबल प्रॉफिट कैसे करना है वो भी समझाता हूँ दोस्तों। अब देखिए 38 रुपीज पे एंट्री, 3.8 10%, 42 के रुपीज के सर 4 रुपए, इसका मतलब 20 पैसे का और ज्यादा प्रॉफिट ही हुआ है। पर हम लोग तो 10% प्रॉफिट बुक, 10% में प्रॉफिट बुक दिया था अपने ब्रेकआउट के हिसाब से। और स्टॉक 44 तक गया, हमें कुछ लेना देना नहीं है। अभी स्टॉक यहाँ पे रिवर्सल हो रहा है, रिवर्सल होते होते एमएसईडी में इम्प्रॉपर बाइंग दे रहा है, जो प्रॉपर तरीके से स्टॉक को ऊपर लेके जाने वाला है। अभी यहाँ पे जो ऊपर लेके जाने वाला है उसके हिसाब से कंसोलिडेशन हमारे आरएसआई 60-40 के इन बिटवीन में है। जो आरएसआई 60-40 इन बिटवीन में है, यहाँ पे स्टॉक क्या करेगा पता है? अपने ब्रेकआउट से सपोर्ट लेगा, यानी हम लोग फिर से री एंट्री कर सकते हैं आईडीएफसी फर्स्ट में। 39 रुपीज से लेके 38 के इन बिटवीन आप कभी भी स्टॉक के अंदर एंट्री ले लीजिए। पहला जो ब्रेकआउट यहाँ पे है 42 ब्रेकडाउन लेवल है 42.50, सेकेंड ब्रेकडाउन लेवल है 44 रुपीस। यहाँ पे भी हम लोगों को 12% का प्रॉफिट होगा। आप कभी भी स्टॉक में इस प्राइस पे खरीदो, इस प्राइस पे बेच रहे हैं, प्राइस पे ट्रेड मत करो। अगर आप प्राइस पे ट्रेड करना चालू करोगे, लॉस भी वैसे ही होना चालू हो जाएगा। आप स्टॉक मार्केट में परसेंटेज रिटर्न के हिसाब से ट्रेड करना चालू करो, एवरेज स्टॉक में आपको मुनाफा होगा। ब्रेकआउट से 10% पकड़ो, ज्यादा नहीं, ब्रेकआउट से 10% पकड़ो, प्रॉफिट हो जाएगा दोस्तों। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है दोस्तों, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर अभी तक आप ज्वाइन नहीं किए हो तो ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपको मार्केट में कोई प्रॉब्लम है या कोई दिक्कत है, कोई स्टॉक में अटके हुए हो और वो स्टॉक में काफ़ी समय से अटके हो, कहीं पे एवरेज करके निकलना नहीं आ रहा है, आपको प्रॉपर लर्निंग की ट्रेनिंग चाहिए, चाहे वो ऑप्शन हो चाहे वो इक्विटी हो, आप मेरे इंस्टाग्राम पेज मुझे डीएम कर सकते हो। फॉर इंटरडे लाइव टेस्ट स्टॉक मार्केट अपडेट के लिए आप मुझे टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो। इंस्टाग्राम में आप डायरेक्ट डीएम करिए, आपके मैसेज का रिप्लाई मैं आपको दूंगा दोस्तों। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का ये 15 मिनट का इंट्राडे कैंडल चार्ट है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। इंट्राडे के हिसाब से आज सुबह से जो मार्केट वोलेटाइल था, उसके हिसाब से आईडीएफसी फर्स्ट बैंक सेलिंग बाइंग सेलिंग। दूसरी बात, कभी भी प्लस लेवल पे याद रखिए, बाइंग नहीं होता। अगर बाइंग दे रहा है इसका मतलब यह है कि स्टॉक चालाकी से चल रहा है, जिधर बायर कह चुके इंट्राडे में मेजर फॉल की वजह से एट द एंड ऑफ द डे बायर को लॉस देना पड़ेगा। इसीलिए कभी भी प्लस लेवल पे एमएसईडी कॉम्प्लिकेटेड बनाता है तो होल्ड करना है, थोड़ी देर के लिए ही लॉस होगा पर उसके बाद टोटली प्रॉफिट बुकिंग ही चलेगा। तो मैं यहाँ पे सजेस्ट कर रहा हूँ, कल का लाइव मार्केट का फर्स्ट हाफ भी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक सेलिंग ही देने वाला है। 29th अप्रैल 2022 फ्राइडे आईडीएफसी का क्लोजिंग है 39.50 पैसा। ये मैं टारगेट निकाल रहा हूँ फॉर 2nd मई 2022 मंडे के लिए। मंडे लाइव मार्केट में आपको मेरे लेवल्स पे बाइंग अपॉर्चुनिटी या सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिले, आप मेरे टारगेट एंड स्टॉप लॉस लाइव मार्केट में लेकर चल सकते हैं दोस्तों।